जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने 2020 का वार्षिक लेखा जोखा पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के साथ साझा करते हुए बताया कि 2020 के दौरान जिला पुलिस लॉकडाउन में लोगों की सुरक्षा व अमन कानून बनाने में कई चुनौतियों से जूझती रही। पूरे वर्ष के बीते घटनाक्रम के अनुसार बेशक वर्ष 2020 में ATM लुटकांड जैसी वारदातें हुई हैं, परंतु संतोष की बात यह रही कि लगभग सभी अधिकांश गंभीर अपराध निकाल लिए गए। 5 जनवरी को जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा वर्ष 2020 का वार्षिक लेखा जोखा पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के साथ साझा किया गया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि वर्ष 2020 के दौरान जिला पुलिस लॉकडाउन में लोगों की सुरक्षा व अमन कानून बनाने में कई चुनौतियों से जूझती रही। पूरे वर्ष के बीते घटनाक्रम के अनुसार बेशक वर्ष 2020 में ATM लुटकांड जैसी वारदातें हुई हैं, परंतु संतोष की बात यह रही कि लगभग अधिकांश गंभीर अपराध निकाल लिए गए। वर्ष 2020 में जिला पुलिस की नशे की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई से आरोपियों में भगदड़ मचा रहा। जिला रायगढ़ में वर्ष 2019 में IPC के 3272 की तुलना में वर्ष 2020 में IPC के 3211 अपराध एवं अन्य 9528 लघु अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को अनावश्यक शिकायत पेंडिंग न रखे जाने के निर्देशों पर अपराध से संबंधित शिकायतों तथा उनके रिपोर्ट पर निष्पक्ष रूप से त्वरित अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसलिए लंबे लॉकडाउन के बावजूद पंजीबद्ध अपराधों में वर्ष 2019 के तुलना में 2020 में नगण्य कमी है। जिला पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वर्ष 2020 में लॉकडाउन में व्यस्त होने के बावजूद इस वर्ष दर्ज 3211 अपराधों में वर्षांत में 589 अपराध जांच में लंबित हैं। 31 दिसंबर 2019 की स्थिति में 480 अपराध लंबित थे। न्यायालय लंबे समय तक बंद होने के कारण जिले के 1306 अपराधों के चलान बनकर तैयार हैं, जो कि पेश होना है, जबकि वर्ष 2019 के अंत तक 56 चलान न्यायालय पेश करना शेष था। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के लगातार मॉनिटरिंग के कारण जिले के लगभग सभी थानों में अपराध निकाल की स्थिति सबसे अच्छी रही। साल के अंत में प्रमुख थानों में पूंजी पथरा में सबसे कम 1.5% अपराध पेडेंसी रहा, वहीं जिले के सबसे व्यवस्थम कोतवाली थाना की पेडेंसी 16% रही। 2020 का जो साल रहा है वो पुलिस के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, क्योंकि कोविड के समय जिस तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी लॉकडाउन को पालन कराने की, साथ साथ उसके बाद जो अनलॉकडाउन का समय था उसमें भी बहुत सारे गाइडलाइंस ऐसे हैं जिसको लगातार पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की रही है। और साथ साथ जो अपराधों की संख्या में भी अगर देखा जाए पिछले साल की तुलना में कमी बहुत नहीं आई है। 3200 अपराध पिछले साल कायम थे, इस साल भी 3200 के आसपास अपराध है। विशेषकर लॉकडाउन के बाद अपराध, कई सारे जो छोटे अपराध हैं वो बढ़े हैं, तो अपराधों के जो निकाल के साथ साथ कोविड के समय लोगों की सुरक्षा एक प्रमुख चैलेंज था, जिसमें रायगढ़ पुलिस ने एक अच्छा अपना रोल प्ले किया है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जैसे हमारा साल में देखा जाए ATM लूटकांड रहा हो, चाहे डबल मर्डर संबलपुरी का डबल मर्डर रहा हो, चाहे अभी रिसेंट का धर्मजयगढ़ का किडनैपिंग का केस रहा हो, चाहे विस्फोटक पे कार्रवाइयाँ रही हों, चाहे एक्साइज पे कार्रवाइयाँ रही हों, सभी में कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहीं। और हमारी कोशिश ये रही कि सभी जो अपराधियों में भय पुलिस का बना रहे, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए भी हम लोग लगातार काम करते रहे। पूरे ज़िले का जो अपराधों का निकाल भी बहुत अच्छा रहा। एक हमारा जो थाना है उसमें 1% के आसपास भी अपराध आ गए थे, और कुछ थानों के अपराध जो है 10% के आसपास या उसके थोड़े ऊपर हैं। तो अपराधों के निकाल का भी एक चैलेंज रहा, लेकिन उसको भी किया गया है। इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ हों, चाहे एक्साइज की कार्रवाइयाँ हों, चाहे आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हों, एक विस्फोटक पे कार्रवाइयाँ हों, अवैध परिवहन पे कार्रवाइयाँ हों, उस पर भी ज़िले में लगातार कार्रवाइयाँ की गई। और सोशल पुलिसिंग में भी इस साल जिला पुलिस ने एक नए आयाम निर्धारित किए और उसको पाया। एक हमारा एक रक्षा सूत्र मास का अभियान काफ़ी अच्छा चर्चित रहा, जिसमें ये जो अवेयरनेस का ड्राइव था लोगों को मास्क के प्रति प्रेरित करने के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। कई सारे अन्य अभियान कोविड के दौरान पुलिस द्वारा चलाए गए, संवेदना अभियान जो बाढ़ के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा। इसके अलावा जो जिले में प्रदेश स्तर से समर्पण अभियान वृद्धों के लिए हो या गूंज अभियान महिलाओं बच्चों के लिए हो, उसमें भी काफ़ी सराहनीय उसमें हमारा काम हुआ, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया।
जिले में 149 नाबालिग बच्चों को जिसमें FIR दर्ज था उनको पुलिस अलग अलग राज्यों से ढूंढ के लेके आई। इसके अलावा करीब 150 के आसपास जो गुम इंसान हैं अलग अलग थानों में जो गुम थे उनको भी रिकवर किया गया। NDPS की 44 कार्रवाइयाँ भी, लगभग 500-600 के आसपास KG गांजा भी पकड़ा गया, साथ साथ जो कोरेक्स और नशीली टैबलेट है उस पर भी कार्रवाइयाँ की गई। इस साल जो है रायगढ़ पुलिस ने जो अभियान कोविड के दौरान चलाया था एक रक्षा सूत्र मास्क का, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में रायगढ़ पुलिस और रायगढ़ के लोगों का नाम दर्ज हुआ। कई सारे रिकॉर्ड दर्ज करने वाली एजेंसियों ने उसको रिकॉर्ड के रूप में तो दर्ज किया ही, उसको हर जगह से सराहना मिली। साथ साथ एक ब्यूरोक्रेट्स इंडिया करके एक जो थिंक टैंक है राष्ट्रीय स्तर का, उसने टॉप 20 ब्यूरोक्रेट्स में मुझे भी नॉमिनेट किया इस अभियान के लिए और अन्य कामों के लिए। ये निश्चित रूप से ये साल रायगढ़ पुलिस के लिए उपलब्धियों का साल रहा है। लगभग सभी गंभीर अपराध जो इस साल घटित हुए और कुछ पूर्व के भी अपराध जिला पुलिस ने निकाला। साथ साथ हमारे पास कोविड की चुनौतियों के अलावा साल के शुरुआत में नगरीय और ग्रामीण इकाइयों के चुनाव भी थे, उसको भी सफलतापूर्वक निकाला। हमारी एक पॉलिसी रही है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनक्रेज किया जाए, लोगों को लगातार नगद इनाम दिए गए। कई सारे अन्य जो अच्छे काम हुए उसमें हमारे IG श्री दीपांशु काबरा और DGP श्री DM अवस्थी सर द्वारा भी, इवन राज्य स्तर पे भी उनको कैश अवार्ड मिला, इंद्रधनुष अवार्ड मिला कई सारे कामों में। कॉप ऑफ द मंथ हमने इस तरह से चलाया कि हर महीने जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको इनक्रेज करके उनका हर जगह फोटो लगाया जाए ताकि दूसरे लोग प्रोत्साहित हों, तो ये इनक्रेजमेंट का भी काम किया। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदार हैं, जो अनुशासनहीन हैं, उनको उनके प्रति भी कार्रवाई की गई। दर्जनों भर ऐसे लोग थे जिनको सस्पेंड किया गया। लगभग 8 से 10 लोगों को नौकरी से निकाला भी गया, क्योंकि ये लोग उनके अलग अलग शिकायतें थी, कुछ के गंभीर शिकायतें जिसमें गैर हाजिर होना भी था। और इसके अलावा हम लोग की कोशिश ये रही कि सभी लोगों को पुलिस बल ऑलरेडी बहुत प्रेशर का सॉल रहा है जिसमें काम कर रही है, तो लोगों को इनक्रेज भी किया जाए और सबकी मदद से एक टीम के हिसाब से सबसे अच्छा काम भी करवाया। नए साल में हमारी जो विशेषकर कई सारे अभियान हम लोगों ने सोच रखे हैं जो कोर पुलिसिंग से जुड़े हैं, जिसमें ट्रैफिक घटनाओं में जो इस साल कमी आई है वो आगे भी बनी रहे। इसके लिए हम लोग ट्रैफिक पे चालानी कार्रवाई हो चाहे अवेयरनेस ड्राइव हो उसके लिए हम लोग करेंगे। महिलाओं बच्चे के कई सारे अपराध ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके कुछ हफ्ते भर के अंदर कई सारे मामलों में चालान पेश किए गए, तो हमारी कोशिश है कि ऐसे महिलाओं बच्चों संबंधित जो हीनियस ऑफेंसेस हैं इस साल भी उस पर कार्रवाई हो। जिले में CCTV कैमरे एक बृहद स्तर पर एक अभियान के तरफ से लगवाने का हम लोग का प्लान है ताकि जो चोरी लूट डकैती की जो घटनाएं हैं उसमें संदेहियों को आसानी से पकड़ा जा सके और अन्य भी तरीके से लोगों की सुरक्षा बढ़ सके। कोविड समय में अगर देखें तो पूरे इस दौरान जो है लगभग 330 पुलिसकर्मी जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, ये लोग जो है कोविड से संक्रमित हुए हैं, जिसमें आज की डेट में भी 27 अभी एक्टिव केसेस पुलिस वालों के हैं। ये लोग लगातार काम करते रहे हैं, बहुत बार जो वीकली ऑफ जो शुरू किया गया था उसको भी हमें बंद करना पड़ा जिम्मेदारियों की वजह से। लोगों पुलिसकर्मियों के ऊपर प्रेशर भी था, तो इसके लिए आदरणीय जो हमारे DGP हैं उनके द्वारा एक स्पंदन प्रोग्राम चलाया गया ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनको काउंसलिंग उनकी की जा सके, उनके लिए खेलकूद आयोजन किया जाए, उनके लिए योगा आयोजन किया जाए, जिसको कई जगह चलाया भी गया और आगे आने वाले समय में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।